हे गाइज, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। एंड आज के इस मॉर्निंग वाले वीडियो में आपके लिए फिर से कई सारे अपडेट के साथ इस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट हुआ हूँ, जिसमें आपसे रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें क्लासेस को लेकर के जो रूटीन बनाया जा रहा है कॉलेजेस में। चूँकि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था तो पटना साइंस कॉलेज है, अभी मैं उसके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे देख रहा हूँ कि सेमेस्टर वन का जो क्लास रूटीन वगैरह है, वो क्लास रूटीन वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। मतलब क्लासेस स्टार्ट होने के पूरे मूड में है। हालांकि इंडक्शन मीट अभी भी किसी भी कॉलेज में अभी तक अटेंड नहीं किया गया और आज भी किसी भी कॉलेज में इंडक्शन मीट नहीं है। इंडक्शन मीट बेसिकली कल से होगा, तो कल कौन कौन से कॉलेज में इंडक्शन मीट है, इंडक्शन मीट के रिगार्डिंग अपडेट दूंगा। साथ में अभी जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है पटना यूनिवर्सिटी में, तो सीट कितना बचा हुआ है एडमिशन के लिए, ये मैं आपको बताऊँगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि स्पॉट एडमिशन के थ्रू अब एडमिशन होगा, जिन्होंने अप्लाई किया था पटना यूनिवर्सिटी में बट किसी भी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे सेंटेंस को समझिएगा। स्पॉट एडमिशन में वही एडमिशन ले सकते हैं जिनका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया है। पहली बात, किसी भी कारणवश नहीं हो पाया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, नहीं हो पाया है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ये भी कंडीशन है कि जो पहले से अप्लाई करके रखे थे वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी न्यू बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जो अप्लाई नहीं किए थे उनको मौका नहीं मिलेगा, बट जो अप्लाई किए थे किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया, चाहे आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हो, इफ बट नॉट नथिंग कुछ भी हो, तो भी आप एडमिशन के लिए क्या कर सकते हैं, स्पॉट एडमिशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये भी आपको बताया था कि स्पॉट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन होता है, और इसमें होता क्या है, इसमें आप एक ऑफर लिखते हैं, एक आप लेटर लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉट लेटर। आप एक स्पॉट लेटर लिखते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने पिछले साल लिखा था कई सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो 2022 का मेरे पास लिखा हुआ स्पॉट लेटर है, मैं आपको स्पॉट लेटर दिखा दे रहा हूँ, कैसे लिखना है ये भी सिखा दे रहा हूँ। इसके बाद स्पॉट लेटर, साथ में 12th का मार्कशीट और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट को पिनअप करके आप कॉलेज के काउंटर पे जमा कर दीजिएगा जब स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होगा तो। और साथ में ये भी बताऊंगा कि स्पॉट एडमिशन कब से एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एक एक करके सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताता हूँ। अगर मैं सबसे पहले बात करूं अगर क्लासेस और इंडक्शन मीट को लेकर के, चूंकि अब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक तो जिनका एडमिशन हो गया है और एक जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके लिए जिनका एडमिशन हो गया है। जिनका एडमिशन हो गया है उनको सबसे पहले अटेंड करना है इंडक्शन मीट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको अटेंड क्या करना है, इंडक्शन मीट के बारे में। दूसरी चीज़, अगर आप इंडक्शन मीट अटेंड कर लेते हैं फिर आपको क्लासेस अटेंड करना है। अगर इंडक्शन मीट के बारे में बात करूँ तो आज अपना 3 जुलाई है और आज तक किसी भी कॉलेज में इंडक्शन मीट आज नहीं हो रहा है। इंडक्शन मीट बेसिकली कल होगा और इसके लिए आज शाम से कॉलेज के साइट पे नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा और कल आपके कॉलेज में इंडक्शन मीट हर हालत में जरूर रहेगा। तो आप जहां भी बाहर रहे हैं आप इंडक्शन मीट के लिए तैयार हो जाए और कल इंडक्शन मीट अटेंड करने का कोशिश करें। हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स होता है कि सर, अगर मैं किसी कारणवश इंडक्शन मीट को अटेंड नहीं कर पाया तो क्या मेरे लिए यह दिक्कत का बात होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इंडक्शन मीट में बस कॉलेज का रूल्स रेगुलेशंस यही सब बताया जाता है, कल से क्लासेस कैसे चलेगा ये सब बताया जाता है। तो सबसे पहले कल होगा इंडक्शन मीट और इसके बाद कह सकते हैं 5 जुलाई से आपका क्लासेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि लगभग कह सकते हैं 10 से 15 दिन तक ना क्लास में ज़्यादा बच्चा रहते हैं, न मतलब कि क्लास में बच्चों की संख्या कम रहती है, क्योंकि उनको हॉस्टल मिला हुआ नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है उनके साथ क्लासेस को करने में भी इशू होता है। और जो पटना के हैं या लोकल के हैं जो अप डाउन करके क्लासेस को कर लेते हैं तो कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ खास सिलेबस को पढ़ाया भी नहीं जाता है, मतलब बेसिक बेसिक बात ही बताया जाता है। तो अगर आपका 10-15 दिन आगे का छूट भी जाता है तो वैसा कोई मेजर इशू नहीं है, बट अब ट्राई कीजिएगा कि छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 75% अटेंडेंस जरूरी है और 5 जुलाई से ही आपका अटेंडेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने क्लासेस के बारे में बता दिया, इंडक्शन मीट के बारे में बता दिया कि अभी कॉलेज के साइट पर नोटिस अभी किसी भी कॉलेज के साइट पर नहीं आया है, आज दोपहर तक कॉलेज की साइट पर नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको लगातार सजेशन देता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर सीनियर जूनियर सब हैं, सेमेस्टर 2 के हैं, सेमेस्टर 3 के हैं, इसके बाद फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हैं। तो आप कॉलेज से, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी से भी सपोर्ट ले सकते हैं, वो आपको नोटिस शेयर कर देंगे, जो डेली कॉलेज जा रहे हैं वो आपको मदद कर सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए,
कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए कितना मेहनत की, आपके लिए हर इन्फॉर्मेशन अप टू टाइम देने का कोशिश किया, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप जिस भी कॉलेज से रहे, कुछ भी नोटिस है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आगे के डिस्कशन को बताते हैं, तो अभी तक मैंने बात कर लिया था किनके लिए, जिनका एडमिशन हो गया है उनके लिए। साथ में जिनका एडमिशन हो गया उसमें एक और स्टूडेंट से मगध महिला कॉलेज वाले, मगध महिला कॉलेज वाले ध्यान दीजिएगा, आज हॉस्टल का लिस्ट आ जाएगा। महिमा छात्रावास है, वैधी है, अवंतिका है, जितना भी हॉस्टल है सबका लिस्ट आएगा। लिस्ट में देख लीजिएगा कि आपको कौन सा हॉस्टल मिला है, इसके बाद कल से सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, इंडक्शन मीट कीजिएगा, फिर सेट हो जाइएगा। तो लिस्ट आएगा, लिस्ट में नाम देख लीजिएगा कौन सा आपको हॉस्टल मिला है, इसके बाद हॉस्टल का चार्ज ऑनलाइन जमा कर दीजिएगा। हालांकि एक बार हॉस्टल का लिस्ट आ जाता है फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। अब बात उनके लिए करते हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया, जिनका भी एडमिशन नहीं हो पाया वो क्या करेंगे, स्पॉट में अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी स्पॉट की खराबी होती है एक तो सीट की, कि आप जिस सब्जेक्ट में, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें आपका सीट बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। दूसरी बात है जो टॉप पेपर्स है, टॉप पेपर्स में हमेशा कुछ और भी करप्शन वगैरह का भी कुछ इश्यूज होता है चर्चा में, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखिएगा। यानी आप कोशिश कीजिएगा कि कॉलेज कोई भी मिल जाए, बीएन कॉलेज मिल जाए, पटना कॉलेज मिल जाए, कॉलेज को लेकर के ज़्यादा किचकिच मत कीजिएगा। मेन आप देखिएगा आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, साथ में जो आप पेपर के लिए बचपन से सोचते आ रहे हैं, जैसे कोई बच्चा सोचता है कि मैं 9 से ही, वो सोचता है या 10 से सोचता है कि मैं आगे मैथ से ही पढ़ूंगा, तो वो सोच रहा है कि बीएससी मैथ करने का, तो आप मेन फोकस कीजिएगा पेपर पर कि आपको पेपर बीएससी मैथ ही मिले, चाहे कॉलेज साइंस कॉलेज मिल जाए या बीएन कॉलेज मिल जाए कोई बात नहीं, सब जगह एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, सबके सर्टिफिकेट पर पटना यूनिवर्सिटी ही लिखा रहेगा, तो कोई कॉलेज का ज़्यादा कोई मेजर इफेक्ट होगा नहीं। ये मैंने इसके बारे में बता दिया। तो ये आपका एडमिशन किससे संभव है, स्पॉट एडमिशन से संभव है, और स्पॉट एडमिशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये भी मैंने बता दिया था कि स्पॉट एडमिशन कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कॉलेज के काउंटर पर जा करके होगा। पेपर्स को लेकर के मैंने बता दिया। साथ में ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अगर आपका इशू हो रहा है पेपर ये सब को लेकर के, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे, और आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं या फिर एडमिशन करवा सकते हैं इनके थ्रू में। आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं स्पॉट एडमिशन के लिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि स्पॉट एडमिशन के लिए क्या करना है, आपको स्पॉट एडमिशन के लिए एक लेटर जमा करना होता है कॉलेज में, जिसमें आपको बताना होता है कि आपका ये नाम है और आप स्पॉट एडमिशन में लेना चाह रहे हैं, तो एक आपका लेटर लिखाएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ पिनअप होकर के कॉलेज के काउंटर पर जमा हो जाएंगे। साथ में यह भी मैंने आपको बताया, जो आप लेटर लिखेगा उसका एक फोटोकॉपी भी रखिएगा, ताकि जब आप जाइएगा जमा करने के लिए तो एक तो आपका लेटर के साथ जो सारे डॉक्यूमेंट दिए उसको जमा ले लेगा, बाकी जो दूसरा लेटर रहेगा, बाकी जो लेटर का फोटोकॉपी रहेगा उस पर मोहर करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब ये सब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको स्पॉट लेटर दिखाता हूँ कैसे लिखना और क्या क्या स्पॉट लेटर में मटेरियल होता है, और क्यों मैं बोल रहा था कि फोटोकॉपी कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम होता क्या है कि बहुत सारे अपने जितने भी सारे पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं, किसी में भी साइबर कैफे की व्यवस्था नहीं है, किसी में फोटोकॉपी की व्यवस्था नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, फोटोकॉपी आप करके जाइएगा, जरूरी होता है एक दो से डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करके ही रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि स्पॉट वाला ऑफर लेटर लिखना कैसे है, मतलब स्पॉट का जो लेटर है वो आपको एग्जैक्टली लिखना कैसे है। सो चलिए देखिए, ये हमारे पास एक स्पॉट का ऑफर लेटर है, और ये स्पॉट का ऑफर लेटर बेसिकली 2022 का है, मैंने 2022 में लिखवाया था, एक स्टूडेंट्स के पास था, इसका एप्लीकेशन लेटर मेरे ही पास था। अब देखिएगा स्पॉट ऑफर लेटर में लिखना क्या क्या होता है और कैसे लिखना है, ये मैं आइडिया आपको बता दे रहा हूँ, तो समझिएगा सही से। देखिए सबसे पहले कॉर्नर पर डेट मैंशन कीजिएगा, तो डेट लिखा जाएगा 5 जुलाई 6 जुलाई जो भी रहे। इसके बाद लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, जो भी कॉलेज में आप जमा करना चाह रहे हैं उसमें। आप ध्यान रखिएगा आपको जितना कॉलेज में मर्जी है आप उतना कॉलेज में जमा कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जितना आपको कॉलेज में जमा करना रहे उतना कॉलेज में कर दीजिए। अगर आपका मन कर जाए मैं पटना साइंस कॉलेज में भी अप्लाई करूंगा, पटना कॉलेज में भी करूंगा, वाणिज्य में भी करूंगा, बीएन कॉलेज में भी करूंगा, जितना कॉलेज में आपका मन करे उतना कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है। और जितना सब्जेक्ट के लिए चाहे उतना कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में, बट ध्यान रखना है एक लेटर पर मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट देना होता है, जो कि मैंने नीचे में देख सकते हैं मैंने 3 सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा भी था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, जिस कॉलेज में आप जमा करने का सोच रहे हो उसमें लिखिएगा, जैसे मैंने पटना साइंस कॉलेज में सोचा था, तो टू द प्रिंसिपल पटना साइंस कॉलेज, इसके बाद पटना साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी, और इसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखिएगा चॉइस फिलिंग फॉर स्पॉट एडमिशन, ये मैंने लिखा था कैजुअल एडमिशन के लिए। आपका चूंकि स्पॉट एडमिशन है तो आप लिखिएगा टू द प्रिंसिपल पटना साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी पटना, मतलब जो कॉलेज में जमा करना रहे उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग फॉर स्पॉट एडमिशन 2023, यहाँ पे ये हो जाएगा
जाएगा। इसके बाद लिखिएगा सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, आई अपना नाम आप बता दीजिएगा, आपका क्या नाम है। जैसे अगर मैं सोहन भैया के लिए लेटर लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई आई सोहन कुमार सन ऑफ, आप अपने फादर का नाम लिखिएगा सन ऑफ मोहन कुमार, आई आई यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा लिखिएगा आई अप्लाइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा आई अप्लाइड इन पटना यूनिवर्सिटी बी, आई यहाँ पे लिख दीजिएगा आई अप्लाइड, यहाँ पे या फिर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आई फॉर्म फिलअप्ड इन पी यू सी ई टी, यहाँ पे लिखिएगा आई आई फॉर्म फिलअप्ड इन पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म 2023 विद, और यहाँ विद में अपना परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा क्या आपका परसेंटेज है। और इसके बाद जस्ट फिर नीचे लिख दीजिएगा माई चॉइस फॉर अ स्पॉट एडमिशन बी, कौन कौन सा सब्जेक्ट का चॉइस रहेगा ये लिख दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में सीधा लिखिएगा सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज कन्फर्म माई एडमिशन, और इसके बाद योर फैथफुली अपना नाम फादर्स का नेम, और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपका एप्लीकेशन आई डी क्या है, और इसके बाद आप लिख दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, आप लिख दीजिएगा अपना ई मेल आई डी, आप लिख दीजिएगा कौन से कैटेगरी से है, और आप लिख दीजिएगा ट्वेल्थ का परसेंटेज आपका क्या है, साथ में नीचे लिख दीजिएगा टेंथ का परसेंटेज क्या है, और यहाँ पर आप अपना परसेंटेज लिख दीजिएगा, फिर से नीचे एक बार चॉइस लिख दीजिएगा। और जब आप जाइएगा कॉलेज में जमा करने के लिए तो मैं बार बार बता रहा हूँ दो फोटो कॉपीज का रखिएगा, जब दो फोटो कॉपी रखिएगा तो एक तो वो रख लेगा और दूसरा आपको देख सकते हैं यहाँ पे मोहर करके दिया था पटना साइंस कॉलेज पटना, देख सकते हैं यहाँ पे मोहर किया वो आपको रिटर्न हो जाएगा, यही आपका प्रूफ है कि आपने स्पॉट एडमिशन में अप्लाई किया है। तो मैंने लेटर लिखने का भी टेक्निक आपको सिखा दिया, बहुत ही सिंपल है, अपने लैंग्वेज में अगर आपको मर्जी करे, जो मैं आपको बेसिक बात बताया हूँ बस इतना बात को मेंशन कीजिए, बाकी जैसे आपको लेटर लिखना रहे लिख दीजिए और लिख करके कॉलेज पर काउंटर पर जमा कीजिए। तो बस अब इंतजार रहा मेरे इन्फॉर्मेशन का और यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस का, जैसा ही नोटिस आता है स्पॉट एडमिशन के लिए फिर मैं आपको बताता हूँ। स्पॉट एडमिशन की पूरी रणनीति पूरी प्लानिंग हम लोगों ने मिल करके कर लिए, मतलब कह सकते हैं कमर कस करके हम लोग तैयार हैं, बस स्पॉट एडमिशन का नोटिस है, फिर धड़ाधड़ उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राहत देने वाली खबर का कि क्या सीट उठ बचा है या फिर हम लोग फालतू का इतना परेशान होंगे, तो चलिए सीट के बारे में बताते हैं आपको। सो अगर मैं बात करूँ सीट को लेकर के तो देख सकते हैं एडमिशन अलर्ट है और ये सीट के बारे में बताता है, बता रहा है क्या क्या, चलिए बात करते हैं। ये प्रभात खबर का एक पेपर का कटिंग था और इसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूँ तो इसमें बताया जा रहा है कि पीयू में 3623 का दाखिला 908 सीटें अभी भी खाली है, यानी सीट कितना वैकेंट है 908 सीट अभी भी वैकेंट है इस पटना यूनिवर्सिटी में, और मतलब ये स्पॉट के लिए बाकी है, बाकी आगे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद अच्छे अच्छे ऑनर्स में मैथ जैसे ऑनर्स में बीसीए जैसे पेपर्स में भी सीट खाली होता है, ये हर साल का मेरा देखा हुआ है, तो आज मैं नया इसके लिए नहीं हूँ। मैथ जूलॉजी जैसे टॉप पेपर्स, हिस्ट्री पोल साइंस जैसे पेपर्स में भी सीट खाली होता है, बस ज़रूरत होता है इन्फॉर्मेशन का, जिसके पास इन्फॉर्मेशन होता है उसका एडमिशन होता है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है उसका एडमिशन होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लिस्ट के बाद यानी जो तीन लिस्ट हुआ फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट, इसके बाद जो पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, और इसी के कारण धांधली भी होता है, साथ में इसी के कारण बहुत ज़्यादा जो झोलझाल है वो भी होता है, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो सीट का इन्फॉर्मेशन है वो बाहर निकल करके नहीं आ पाता, ये पेपर वाले भी कुछ ही टाइम तक बताते हैं, इसके बाद पेपर वाले भी अपडेट नहीं करते हैं कि कितना सीट बच्चा एडमिशन कैंसिल करवाया है, क्या सीट कैजुअल के लिए खाली है, क्या सीट डी रिजर्वेशन के लिए खाली, ये सब पता चलता है अंदर से कॉलेज के काउंटर से। इसलिए अगर आप पटना के हैं तब तो बात अलग है, नहीं तो फिर लगातार आप हमें फॉलो पे रखिएगा, फॉलो करके रखिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं तो बात किया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, और जिसमें क्या हुआ 3 राउंड का एडमिशन हुआ जिसमें 3623 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया। नामांकन लेने के बाद जो सीट बच रही है, सीट के बारे में बता रहा है कि 908 सीट बचा है, और अगर मैं बात करूं कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है उसके बारे में, तो बीएन कॉलेज में 226 सीट, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन सेकंड सबसे ज़्यादा मगध महिला कॉलेज, यानी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और 243 सीट है आपका लड़की लोग के लिए मगध महिला कॉलेज में, तो लड़की लोग के लिए तो कहिए कि अलग ही बात है, उनके लिए मौका ही मौका है, वो हर कॉलेज में ट्राई कर सकती है, बीएन में भी, मगध में भी, पटना कॉलेज में भी, पटना साइंस में भी, वाणिज्य में भी, बेचारा फंस जाते हैं लड़की लोग, क्योंकि इनके लिए तो लड़की लोग के लिए अलग से कॉलेज है सेपरेटेड, बट लड़का लोग के लिए ऐसा है नहीं, तो लड़के लोग के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिशन, लड़की लोग के लिए थोड़ा सा कम कॉम्पिटिशन। और अगर मैं सीट के बारे में बात करूं तो बीएन कॉलेज में 226 सीट, मगध महिला में 243 सीट, पटना कॉलेज में 169 सीट, पटना साइंस कॉलेज में सबसे कम सीट 93 सीट, क्योंकि ये सबसे टॉप कॉलेज है और यहाँ पे एडमिशन लेना कर सकते हैं बहुत ही चैलेंजफुल काम होता है। इसके बाद तो ये आपका सीट का स्टेटस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ ये जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन है आप उसको समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।